बढ़ती महंगाई व तीनों कृषि कानून व महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में मंगलवार को सहारनपुर के जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन बेदी महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष वैशाली बेदी के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपा, जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगे जल्द ही पूरी नहीं हुई तो वह और बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मांगों को लेकर यहाँ कृषि कानून जो ये हैं काले कानून उनको वापस लिया जाए और जो ये महंगाई बढ़ती जा रही है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ ज्ञापन दिया गया है। क्या मांगे रखी है? मांगे सिर्फ यही है कि कानून जो ये काले कानून है उन पे सुनवाई क्यों नहीं हो रही है अभी तक। धरने प्रदर्शन हो गए हैं, सड़कों पर बैठ गए हैं किसान लोग, सारे सब कुछ दिख रहा है प्रशासन को, मगर सारे ज्ञापन भी लिए जा रहे हैं, देखा भी जा रहा है, मगर सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? आगे का कदम क्या? आगे का कदम अगर इस पर अब सुनवाई नहीं हुई तो फिर धरना प्रदर्शन होंगे, सड़कों पे किसान बैठेगा, फिर यातायात संबंधी प्रशासन को कड़ी से कड़ी वो करनी पड़ेगी। क्या कर सकते हैं? आज आपने डीएम साहब को बिल्कुल ज्ञापन दिया है, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन? यही उन्होंने आश्वासन यही दिया है कि आपकी मांगे सुनी जाएंगी, तो अब देखते हैं कि उनका क्या रहता है इस चीज़ पे, कितने दिन में और कितने महीनों में इस चीज़ को देखा जाएगा। सहारनपुर में मंगलवार को नगर आयुक्त के आदेशानुसार परिवर्तन दल के प्रभारी कर्नल बीएस नेगी के नेतृत्व में परिवर्तन दल द्वारा वार्ड 40 के मोहल्ला पटेल नगर स्थित पार्क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। साथ ही पार्क के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु पार्क के चारों ओर जेसीबी द्वारा खुदाई कर पार्क के सौंदर्यीकरण के कार्य की शुरुआत कर दी गई। सहित यहाँ पे सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को यहाँ पे भेजा है और अब आप देख सकते हैं इसमें कार्य चल रहा है। मेरे साथ में जो है यहाँ पे मेरे साथ में यहाँ पे विनय शर्मा जी हैं जो कि संपत्ति अधिकारी हैं और साथ साथ में गांधी नगरी जो कि सहायक अभियंता निर्माण है। और यहाँ पे आप देख सकते लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर सहारनपुर में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट में धरना दिया, जिसके बाद उन्होंने एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपते हुए यह चेतावनी दी है कि हाल ही में चुनाव की घोषणा होने वाली है और घोषणा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। देखो, ये संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे जो लखीमपुर खीरी में केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचला, उस मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर वो पूरे देश में आज जिला मुख्यालयों पे आंदोलन है के मंत्री को बर्खास्त किया जा, जिससे उस कांड की निष्पक्ष जांच हो सके, क्योंकि जांच प्रभावित हो सके, केंद्र में मंत्री बैठे उन्हीं लेके आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा प्रधानमंत्री के नाम से, इसे बर्खास्त किया जा। इसकी राज्य जो तीन कृषि कानून है उन्हें 10 महीने से संयुक्त मोर्चा दिल्ली के बॉर्डरों पर है, उन्हें रद्द करने की मांग है और MSP पे कानून बने, इन मांगों को लेकर ही जिला मुख्यालयों पे आज प्रदर्शन है। उसी उपलक्ष्य में सहारनपुर की हसनपुर चुंगी स्थित अंबेडकर कॉलोनी पंचायत घर में एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कारगिल युद्ध के युद्धवीर सैनिक मनमोहन शर्मा और सहारनपुर के शहीद निशांत के पिताजी रहे, जिन्होंने ज़रूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया। इस दौरान एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्षा रश्मि टेरेंस ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। हैंडल लगा
सहारनपुर के वार्ड 68 के सराय अहमद वाली गली से तेलियों वाला चौक से लेकर गुलशन डिपो वाली गली तक पार्षद हाजी इमरान सैफी व सफाई नायक आनंद कुमार के नेतृत्व में युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें नालों की सफाई के साथ साथ नालों से निकलने वाले मलबे को भी साथ के साथ ही उठवाया गया। क्या लेने थे जी?